नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस्माइल अंसारी और आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की तरफ। वित्तविहीन शिक्षकों के हित में प्रधानाध्यापक ने उठाई आवाज। मामला उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच के हाजी मोहम्मद यूसुफ इंटर कॉलेज बाबागंज का, जहां विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय ने चिंता जताते हुए कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों को 2 माह से वेतन न मिल पाने के कारण भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। लॉकडाउन के चलते जीवन यापन करना दुर्लभ हो गया है। वित्तविहीन विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री ऋषि पूजन सिंह के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक आत्महत्या करने के लिए विवश हो गए हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए। यदि शासन एवं प्रशासन अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं तो हम सभी शिक्षक बंधु आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। संवाददाता सतीश सिंह की रिपोर्ट। TCM श्री दिनेश शर्मा जी, नमस्कार। महोदय, वैश्विक महामारी में कई बार हमने और हमारे शिक्षक बंधुओं ने आपसे विनती किया है, अनुरोध किया है कि हमें भी कुछ राहत दिया जाए, हमें भी कुछ मदद दी जाए, परंतु शायद आपके कानों तक ये बात नहीं पहुंची या आपकी मंशा कुछ और है, क्योंकि वित्तविहीन शिक्षकों के प्रति न आपके मन में सहानुभूति है और ना ही संवेदना, क्योंकि आज तक इनके भरण पोषण के लिए ना ही कोई योजना बनी है और ना ही सुरक्षित सेवा नियमावली। ऐसे में शिक्षक समाज काफ़ी क्षुब्ध और दुखी है। जिस उद्देश्य से सारे शिक्षकों ने, एक एक शिक्षकों ने चुनाव में एक होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी, कि आपने कहा था कि हम अखिलेश यादव की तरह मानदेय नहीं देंगे, हम सम्मान दे देंगे। अरे महोदय, वो सम्मान दे कहाँ गया? आज सारा शिक्षक भूखों मर रहा है, भूख की कगार पर है, तो आपका सम्मान दे कहाँ गया? महोदय, इसीलिए अनुरोध के साथ आगाह करता हूँ कि शिक्षकों के दर्द को समझिए, अन्यथा की दृष्टि में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य होता है, एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपने प्रजा के दायित्वों की पूर्ति करे, वो अपना अपने प्रजा के सुख दुख में सहभागी बने, अपने प्रजा की देखभाल करे और जो उसने वादा किया है उस वादे को पूरा करे। मेरी बातों को अगर आपको बुरा लगे तो क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।